Good morning to you all. Today's morning hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Raag Sohrat Ang 620 of Shri Guru Granth Sahib Ji. That was the time when Shri Guru Har Gobind Ji was very young. Sukha pada, logon ko serve karne ke liye Shri Guru Arjan Dev Ji ne langar lagaya, par sukha padne ka result ye hua, communicable disease was spread. जिसको उस टाइम सीतला बोला जाता था उसको चेचक भी बोला जाता है और इंग्लिश में उसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, जो आजकल बिल्कुल इरेडिकेट हो गई है। अब उस समय कोई वैक्सीनेशन तो होता नहीं था और इसका इलाज भी कुछ खास नहीं था, तो बहुत सारे लोग इन्फेक्ट होने लगे। श्री गुरु हरगोविंद जी, सिंस ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, उनको भी इसकी इन्फेक्शन हो गई, उनकी बॉडी पे और फेस पे छाले निकल आए और उनको हाई फीवर हो गया। लोग आए, लोगों ने अपनी बेस्ट विशेस दी, अपनी बेस्ट एडवाइस भी दी, प्रेयर्स करी, किसी ने ये भी कहा कि इनको शीतला माता के पास ले जाइए, तो लोगों ने बेस्ट पॉसिबल रास्ते बताए ठीक होने के, इलाज भी चला। When Shri Guru Har Gobind Ji was recovered, that was the time when Shri Guru Arjan Dev Ji recited these words. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji Sorat Mahalla Panjwa, Mera Satguru Rakhwala Hua. My true Guru is my Savior and Protector. Tar Kirpa Prabhat De Rakhya Har Govind Nava Narova Rahau. Showering us with His mercy and grace, God extended His hand and saved Har Gobind, who is now safe and secure. Taap gaya, prab aap mitaya, janaki laaj rakhai. The fever is gone, God Himself eradicated it and preserved the honor of His servant. Saat sangat te sab phal paaye, satguru ke bal jai. I have obtained all the blessings from the Saat Sangat, the company of the holy. I am a sacrifice to the true Guru. हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया. God has saved me both here and hereafter. He has not taken my merits and demerits into account. तो हेल्थ इश्यूज तो हम सबके साथ लगे रहते हैं, बट द की इज टू हैव कंप्लीट फेथ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द डॉक्टर, देन अपने चार फंडामेंटल dimensions, physical, mental, emotional and energy, all in the same direction. When these four fundamental dimensions are in the same direction, we develop faith, prayers, faith and complete treatment. इससे क्या होगा, faith से हमारे being में transformation आएगी, that we'll be peaceful. अब देखिए, एक मान लो problem है, प्रॉब्लम के साथ साथ उसी प्रॉब्लम को लेके हमें हेल्थ एंजाइटी हो रही है, हमें डाउट्स हो रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें, हमको किसी पे ट्रस्ट भी नहीं है, तो फिर हमारा बीइंग कैसा होगा? और उस बीइंग के साथ हम जैसे ही अपनी हेल्थ केयर करना शुरू करेंगे, यू कैन वेल इमेजिन कि वो कैसी हेल्थ केयर होगी जो डाउट से भरी होगी। और अगर हमारा बीइंग पीसफुल है, वी कंप्लीटली ट्रस्ट ऑलमाइटी, हमारा फेथ है, अपने आप पे फेथ है, ऑलमाइटी पे फेथ है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, लोग हमारे लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, उससे क्या होगा, एक पीसफुल बीइंग जब भी कोई एक्शन लेगा, अपनी हेल्थ की केयर करेगा, यू कैन वेल इमेजिन कि उसका रिजल्ट कैसा होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम, आप किस बीइंग से अपनी हेल्थ केयर करते हो। तो आज एक असाइनमेंट करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है या कोई इमोशनल या मेंटल प्रॉब्लम है, सी विद व्हाट बीइंग यू आर ऑपरेटिंग। प्रॉब्लम तो है, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ देयर, उसके लिए ट्रीटमेंट और आप किस बीइंग से अपनी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो, दैट इज़ ऑल व्हाट मैटर्स। तो आज इस चीज़ को देखिए और transform your being, transform how you are responding to the
प्रॉब्लम, आर यू रिएक्टिंग टू द प्रॉब्लम, आर यू रिस्पॉन्डिंग टू द प्रॉब्लम। आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, आपका बीइंग जो है वो पीसफुल है या नहीं है, इस चीज़ को देखिए एंड लेट मी नो व्हाट यू फेल्ट, व्हाट यू एक्सपीरियंस्ड, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बी हैप्पी, बी बैलेंस्ड। वाहे गुरु।